हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नेटिव रूलर्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड की फॉरेन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंडिया के फॉरेन इन्वेजन पढ़ने से पहले हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो इंडिया जो है वो सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, जो कि ओरिजिनेट करता है इंडिया के नॉर्थ में पामिर नॉर्थ से। तो ये माउंटेन रेंजेस जो है इंडिया को बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। तो ईस्ट में आप देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है, और वेस्ट में पामिर नॉर्थ से निकलता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो इंडिया और सेंट्रल एशिया को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इनमें से आने जाने का रास्ते कुछ सिर्फ पासेज होते थे जिनके थ्रू आया जा सकता था, ठीक है, जो कि और इन्हीं के थ्रू फॉरेन इन्वेजन होता था। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैप पे जो इलाका है ये इसी एरिया को सेंट्रल एशिया कहा जाता था, जिनके थ्रू काफ़ी फॉरेन इन्वेजन्स हुए इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, वो हुआ इंडो ग्रीक्स द्वारा, जो कि खाइबर पास जो आप देख सकते हैं उसके थ्रू इंडिया में घुसे एक लार्ज आर्मी को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल किंगडम्स हो चुके थे उनको हराया और अपना रीजन इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और कैपिटल बनाया जो करंट मॉडर्न पंजाब के सियालकोट को है। ठीक है, उस टाइम उसे सकाला कहते थे, तो इंडो ग्रीक्स का कैपिटल जो था वो था सकाला। नेक्स्ट डायनेस्टी जो इंडिया में इंटर की थी वो थी साकास, और वो इंटर किए थे किसी डिफरेंट पाथ से। ठीक है, और उन्होंने किस एरिया को कवर किया था इंडिया के, वेस्टर्न रीजन को। ठीक है, वेस्टर्न रीजन और सदर्न पाकिस्तान आप देख सकते हैं इस एरिया को, जो राजस्थान गुजरात वाला एरिया, इवन अ लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र, इस एरिया को कवर किया था। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी इंडो ग्रीक रूलर को भी हराया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये था साकास का मेजर एरिया। ठीक है, जब उन्होंने एंटर किया था, कुछ वक्त के लिए पार्थियंस ने भी इंडिया में एंटर किया था। पार्थियंस का मेन इलाका जो था वो करंट ईरान आप देख सकते हैं, उस समय जो पर्शिया कहा जाता था वहाँ पर था, और वहाँ पे वो काफ़ी दिनों से थे, लेकिन इंडिया में भी वो खाइबर पास के थ्रू एंटर किए थे। ठीक है, और कुछ इंडो ग्रीक रूलर को हराया था। ठीक है, पर उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल नहीं है, वो काफ़ी जल्दी ही उनका रूल ख़त्म हो गया था, सिर्फ एक रूलर उनका इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि साकास जब एडी स्टार्ट हुआ तो इंडो ग्रीक थोड़े वीक हुए और साकास ने थोड़ा एक्सपैंड किया नॉर्थ में, और जो गांधारा तक्सीला था उसको अपने अंडर किया, इसके अलावा मथुरा को अपने अंडर किया, इवन ईस्ट में पाटलिपुत्रा पे भी साकास ने अटैक किया था। ठीक है, ऐसा मेंशन है बहुत सारे बुक्स में। 78 एडी, जब लेटर एडीज आने लगता है तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यानी कुशानास, जो कि चाइना हुआंग हो के लेफ्ट से जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहाँ से इंडिया में एंटर किए थ्रू खाइबर पास अगेन, और फिर इंडो ग्रीक्स तथा साकास को डिफीट किया वहाँ पे जो मौजूद थे, और एक अच्छा खासा बड़ा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया इंडिया में। ठीक है, वो उस समय जो पूरा नॉर्थ वेस्ट, इवन अ लिटिल बिट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया को भी अपने अंडर में किया। ठीक है, स्पेशली उनका जो कैपिटल था वो मथुरा पेशावर यहीं पे इस के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड रहता था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम लोग जो डिफरेंट फॉरेन इन्वेजन्स हुए। ठीक है, अब उस समय कंटेम्प्रेरी जो इंडिया में नेटिव रूलर थे वो क्या थे, एडी की अगर बात करें तो सतवाहनास थे। ठीक है, और सतवाहनास का जो डेफिनेटली स्ट्रगल होगा ही विथ किस के साथ, साकास के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री मैच खाती है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता था बिटवीन साकास एंड सतवाहनास। ठीक है, और सतवाहनास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने काफ़ी डिफीट किया था साकास को। ठीक है, और एक तरह से वो डिक्लाइन कर दिया था साकास के रूल को। तो यही हम लोग मेनली फोकस करेंगे, आप एक तरह से बेसिकली समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इंडिया में एंटर किया फॉरेन रूलर्सों ने। ठीक है, तो हम लोग अब सिर्फ एसएससी के पर्सपेक्टिव से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर डायनेस्टी के बारे में वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एसएससी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट कुछ बुलेट पॉइंट्स है अगर वो, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में हमें सिर्फ ज़्यादा नहीं जानना है, इतना ही जानना है कि जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स, वो कौन थे, वो थे मिलिंदा, या फिर जिन्हें मिनैंडर भी कहते थे। ठीक है, तो मिनैंडर या फिर मिलिंदा, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, तो वो थे मिलिंदा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, और किसके अंडर कन्वर्ट हुए थे, अंडर नागासेना, ये इनके गुरु थे जिनके अंडर में इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स का में एक और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी बार आता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, और
वो है कि हु वेर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. तो उसका आंसर होगा इंडो ग्रीक्स. इंडो ग्रीक्स फर्स्ट ऐसे डायनेस्टी थी जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू की. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है हु आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, तो होगा इंडो ग्रीक्स. सतवानास में मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ कि सतवानास वर द फर्स्ट वन टू इशू लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मिन्स. ठीक है, अगर पूछता है कि लैंड ग्रांट ब्राह्मिन को किसने देना स्टार्ट किया, तो वो थे सतवानास. ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो डायनेस्टी उसमें आ जाते हैं वो है क्या, द साकाज. ठीक है, जिन्हें सिथियंस भी बोला जाता है. ठीक है, तो साकाज के बारे में भी आपको जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के पर्सपेक्टिव से वो मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था रुद्र दमन. ठीक है, रुद्र दमन उनका नाम था, और रुद्र दमन ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी सतवानास के साथ. ठीक है, तो साकाज और सतवानास में मैंने अभी बताया कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और सतवानास के खिलाफ रुद्र दमन ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी. ठीक है, तो ये थे साकाज के इम्पॉर्टेंट रूलर. ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो कौन सा है, पार्थियंस. ठीक है, यानी जो कि पर्शिया से आए थे, और इन्हें पहलवास भी बोला जाता है. ठीक है, ये पल्लवास नहीं है, ये पहलवास है, ये डिफरेंट है. ठीक है, पल्लवास के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, गोंडोफर्न्स. ठीक है, तो गोंडोफर्न्स आपको याद रखना है, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे. इसके अलावा पार्थियंस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी सीजीएल में आते हैं. ठीक है, अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी फॉरेन इन्वेडर्स में थे वो थे कुशानास. ठीक है, तो कुशानास से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुशानास से कौन से क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में. तो सबसे पहला आता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, तो वो थे कनिष्का. ठीक है, और ये कहाँ से आए हैं, तो ये कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए. ठीक है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, सेंट्रल एशिया से, नियर चाइना से एंटर किए थे इंडिया में. ठीक है, और इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे कनिष्का, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. जैसे मथुरा में एक हेडलेस स्टैचू मिला है कनिष्का का. ठीक है, तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कुशानास से बिलोंग करते थे. ठीक है, और हेडलेस स्टैचू कहाँ मिला ये पूछ सकता है, तो मथुरा में मिला है. ठीक है, कनिष्का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे. अब कनिष्का के बारे में हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, तो कनिष्का को ही सेकेंड अशोका भी कहा जाता है. ठीक है, तो सेकेंड अशोका इनको क्यों कहा जाता है ये जानते हैं. तो अशोका किस लिए फेमस थे, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, काफ़ी पीस फैलाया था, तो उन्हीं की तरह कनिष्का ने भी ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म. ठीक है, और बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के साथ साथ काफ़ी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. इसके अलावा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, और जो फोर्थ और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसके अंडर हुआ, कनिष्का के अंडर हुआ. ठीक है, और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में सेपरेट भी हुआ था बुद्धिज्म के दो सेक्ट, हिनायना और महायना में. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं, और ये कहाँ पे हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में. ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको तीन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ाया था पहले भी, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था. ठीक है, अब बताते हैं इसके बारे में, कनिष्का के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि साका एरा जो था वो कनिष्का ने स्टार्ट किया था. भले ही ये देखिए साका, ये साका एरा डिफरेंट है, वो साकाज से ये नहीं मतलब है. ठीक है, ये कनिष्का ने स्टार्ट किया था साका एरा. एक कैलेंडर था, और इस कैलेंडर को रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अभी हिंदी कैलेंडर चलता है वो साका एरा के थ्रू ही चलता है. ठीक है, और ये स्टार्ट कब होता है, 78 एडी से. इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में. ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिल्क रूट को किस रूलर ने कंट्रोल किया था, तो वो थे कनिष्का. ठीक है, वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे और टैक्स वसूलते थे. ठीक है, उसके अलावा ही पेट्रोनाइज्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को पेट्रोनाइज करते थे, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है एसएससी सीजीएल में, कि चार ऑप्शन में रहेंगे कि इनमें से किसे कनिष्का पेट्रोनाइज नहीं करते थे, और ऑप्शन में कुछ एक एक्स्ट्रा रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे वो थे अश्वघोषा. ठीक है, उन्होंने बुद्ध चरिता लिखा है ये बुक, तो ये लिटररी में इनका रोल है, आप देख सकते हैं. तो अश्वघोषा ने बुद्ध चरिता लिखा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि बुद्ध चरिता किसने लिखा है, तो अश्वघोषा, या फिर अश्वघोषा ने कौन सी बुक लिखी है. ठीक है, इसके अलावा सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो थे नागार्जुना. थर्ड जो इंपॉर्टेंट थे वो थे वासुमित्रा. ठीक है, वासुमित्रा कौन थे, वासुमित्रा जो थे ना वो बुद्धिस्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे. ठीक है, तो वासुमित्रा का ये इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट रोल थे जो कि हेल्थ से रिलेटेड थे. ठीक है, और वो थे, एक थे चरक,
जिनके नाम आप सुना होगा आपने, आयुर्वेद में इन्होंने चरक संहिता लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, चरक संहिता। इसके अलावा सुश्रुता, इनका नाम भी आपने सुना होगा, ये एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही बड़े सर्जन थे। इन्हें माना जाता है कि कई हजार तरह के सर्जरी आती थी, ठीक है। तो चरक और सुश्रुता, तो आप देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट लोगों को पेट्रोनाइज करते थे कनिष्का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स अभी यहाँ बताए, ये सारे ही बिल्कुल ही गोल्डन अक्षर से आप याद कर लीजिए, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फॉरेन इन्वेजन कंप्लीट होता है। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन जो जो आते हैं मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संगम एज यानी साउथ के किंगडम्स के बारे में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।